हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। देखिए, हमने बेसिक वर्कशीट कर लिया था, अब स्टैंडर्ड वर्कशीट करेंगे फ्रैक्शन का। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको क्या लिख रखा है, 1/2, 1/7, 1/2, 1/7, 1/11, 1/4, 1/3। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, किस टाइप का फ्रैक्शन कहते हैं? जब जब न्यूमरेटर आपका वन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। बी नंबर में देखिए, आपको रेसिप्रोकल बताना है किसका, 2/1/3 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 3 × 2 = 6, 6 और कितना हो जाएगा, 7/3। 7/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, 3/7। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देखिए। चलिए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/7। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सी। देखिए सी क्या कह रहा है, 3/4/7 × 7/11। अब इसको पहले मैं चेंज करना है, 7 × 3 = 21, 21 और 4 कितना होता है, 25। तो लिखेंगे 25/7 और यहाँ पे लिखेंगे 7/11। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 25/11। तो इसका आंसर इतना हो जाएगा, 25/11। और अगर आपको उससे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप ऐसे लिखिए, 11 × 2 = 22, 22 में से कितना बचा, 3, तो हो जाएगा 2/3/11। तो इसका आंसर हो जाएगा 25/11। और मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3/11। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है 3/5 और 4/3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3/5 और क्या है, 3/4। इसे आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब का। तो देखिए कितना आएगा, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15। अब देखिए यहाँ पे जब डिनोमिनेटर हमें लिखना होता है, न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 = 20 और 5 × 4 = 20। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर आपका बड़ा होता है, तो नंबर बड़ा कौन हो जाएगा, ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिगर फ्रैक्शन हो जाएगा और ये आपका 3/5 लोवेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंपेयर पूछा था, ये नहीं पूछा था कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, बिगर पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा और लोवेस्ट पूछेगा तो ये वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी क्या है, चलिए बी नंबर क्या है, ग्रीन पेन से लिखता हूँ। बी क्या है, आपको डिवाइड करना है किससे, 2/5/8 किससे करना है, 1/2/5 से। तो सबसे पहले हम क्या करें, पहले इसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर में, 8 × 2 = 16, 16 और 5 कितना, 21। लिखेंगे 21/8, डिवाइड का साइन लगाएंगे, 5 × 5, 5 × 2 कितना होता है, 5 × 2 = 7, तो क्या लिखेंगे, 7/5। अब मैंने बताया था कि जब डिवाइड का साइन है तो डिवाइड तो आप ऐसे कर नहीं पाएंगे, तो होता क्या है, लिखेंगे 21/8 लिखेंगे, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन, इसको डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन में, देखिए मल्टीप्लाई के साइन में, और इसको हम उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो क्या जाएगा, 5/7। अब देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, एक ही सेम ही टेबल से काटेंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या आ गया, 3 और 5, तो 3 × 5 = 15 और 8 × 1 = 8, ये हो गया। अब इसको फ्रैक्शन में आप लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 5 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 8 से डिवाइड कर दीजिए 15 को, तो 8 × 2 = 16, 8 × 1 = 8, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, नीचे तो 8 ही रहेगा, 8 × 1 = 8 और यहाँ पे 7, तो कितना जाएगा, 1/7/8, ये इसका आंसर आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में। चलिए आपने इतना कर लिया, अब हम देखिए सब अपनी कॉपी में भी आप नोट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
या आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके सामने ये ऐड करना है आपको। सी नंबर क्या है, 2 + 5/7 और क्या लिख रखा है, 1/3। तो पहले इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2 5/7 और ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर में सेम करना पड़ेगा, तो 7 और 3 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे और 1 का भी लेंगे, तो 3 × 1 = 3 और यहाँ पे 7 7 × 1 = 7, तो 7 × 3 से कितना 21। तो आप 21 यहाँ पे लिख लीजिए, 21 यहाँ पे लिख लीजिए प्लस साइन के साथ, प्लस 21 यहाँ पे आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2 है, 2 लिख लीजिए, 1 के टेबल में 20 कब आएगा, 21 टाइम्स। यहाँ पे 5 है, 5 लिखिए, 7 के टेबल में 21 कब आएगा, 7 × 3 = 21, ये हो जाएगा 4 लिखोगे, 4 × 7 = 20 तो हो जाएगा 7। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 × 2 = कितना होता है, 42/21 प्लस 5 × 3 = 15/21 और यहाँ पे 7 × 4 = 28/21। अब जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप इनको ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 42 + 15 + 28 यहाँ हो जाएगा 21। अब ऐड कर लीजिए, देखिए 5 × 2 = 7, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 1 कैरी और 4 × 5 = 5, 5 × 2 = 7, 7 × 8 = 21 तो कितना जाएगा, 85/21 कितना हो जाएगा, 85/21। अब यहाँ पे इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करना चाहते हो, 21 से 85 में मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 तो कितना हो जाएगा, 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में से लिखेंगे तो कैसे होगा, 21 यहाँ 4 और यहाँ 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 24/1/21। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सेम काम करेंगे जैसे पिछले वीडियो में किया था हमने। यहाँ पे देखिए बी नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो लिखेंगे 3/4 7/10 1/2 5/8। अब इन सब का एलसीएम लेंगे हम, किसका, 3 का 4 का 2 का और 8 का डिनोमिनेटर का। तो 2 से करेंगे 3 3 2 = 2 1 = 2 4 = फिर 2 से 2 1 = 2 2 2 = 4 और यहाँ पे फिर 2 1 = 2। अब यहाँ पे क्या बचा है, 3। अरे यार यहाँ पे 10 था ना, देखिए डिनोमिनेटर में 10 था, 4 10 2 8। 2 से करेंगे 2 2 = 4 2 5 = 10 2 1 = 2 2 4 = 8 2 1 = 2 5 1 2 2 = 4 फिर यहाँ पे 2 1 = 2 और यहाँ पे 5 है, तो 5 1 = 5। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 = 4 4 2 = 8 8 5 = 40 40 आएगा एलसीएम, तो 40 लिखिए, यहाँ 40 लिखिए एक बार, यहाँ पे 40 लिखिए और यहाँ पे भी 40 लिखिए। ऊपर क्या है, 3 3 लिखिए, 4 के टेबल 40 10 टाइम्स, 7 10 4 = 40 10 4 = 40 1 है 1 × 2 2 20 = 40 और यहाँ पे 5 5 8 5 5 8 5 = 40 तो 5 लिखेंगे, तो 3 10 = 30 हो जाएगा 30/40 7 4 = 28/40। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/40 और 5 5 = 25/40। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना है, डिसेंडिंग लिखना था ना, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको लिखना है, कैसे लिखोगे, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, 30/40 ये सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा कौन है, 28/40 इससे छोटा है, 25/40 और सबसे छोटा है 20/40। लेकिन हमें इस फ्रैक्शन को नहीं लिखना था, किस फ्रैक्शन को लिखना था, इसको लिखना था। अब यहाँ पे देखिए जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, 30/40 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन, 3/4। 28 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 7/10 इस फ्रैक्शन को देखिए, यही ना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको लिखेंगे क्योंकि हमको इसको लिखना था ना कि इसको लिखना था। अब इसके बाद 25/40 ये आपका कौन सा, 5/8 लिखोगे और फिर 20/40 1/2 तो ये हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, मल्टीप्लाई करना आपका 2 4/5 इंटू 7/8 और 24/35। पहले आप इसको लिख लीजिए, 5 2 10 10 4 14 14/5 7/8 24/35। अब देखिए कट कर लीजिए, 8 1 8 8 3 24 7 7 7 5 35। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 14 3 कितना होता है 42 और 5 5 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख लीजिए, 42 25 25 2 25 हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 25 1 और 17, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, माला हैज 36 ट्रॉफी, तो माला के पास कितनी ट्रॉफी है, माला के पास कितनी ट्रॉफी है, 36 ट्रॉफी। अब करना क्या है, इसने दे दिया कितना 4/9 फ्रैक्शन, तो इसने कितने अपने फ्रेंड को दिया, तो लिख लेंगे फ्रेंड को कितना दिया 4/9, तो कितना दिया 36 × 4/9, तो 9 4 36, तो 4 4 कितना हो जाएगा 16 16, इसने क्या किया अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उसके पास अब कितना बचा, तो उसके पास था कितना 36 था, 36 में से 16 उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उसके पास कितनी ट्रॉफी बची, 20 ट्रॉफीज बची। तो ये पूछा था कि माला के पास कितनी बची, तो 20 बची। तो दोस्त यहाँ पे वीडियो ख़त्म हो गया, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं तो मेरे QR कोड पे कर सकते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो ईजिली कवर हो जाएगा। और फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।